जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए उसी तरह से राष्ट्रपुत्र महात्मा नरेंद्र मोदी होंगे, ये मैं आपको ये घोषणा करके बता रहा हूँ। आप जब से एमपी बने हो ना, मैंने पता किया, एक बार रेल से यात्रा नहीं की हो इस बार। अंग्रेज के कानून के आधार पर ही पूरी की पूरी कांग्रेस 70 साल तक रेल नहीं देती रही, क्योंकि आपके इलाके में रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। कांग्रेसियों ने जो है अच्छी बात सुनने का जो है फैसला ही नहीं किया। मोदी फोबिया से इतने ग्रसित हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि मोदी जी कृष्ण की तरह, और ये सभी कौरव सेना। और मैं आज आपको कह दे रहा हूं, अभी तो माननीय मोदी जी को बहुत लंबे वर्ष तक प्रधानमंत्री रहना है, लेकिन जो अमृत भारत स्टेशन का कॉन्सेप्ट लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और जिसका नेतृत्व माननीय अश्विनी वैष्णव जी कर रहे हैं, ये देश रेलवे स्टेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण युगों युगों तक, शताब्दियों तक माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करेगा। और जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए उसी तरह से राष्ट्रपुत्र महात्मा नरेंद्र मोदी होंगे, ये मैं आपको ये घोषणा करके बता रहा हूं। सर रेलवे ने जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसका मैं अमृत भारत स्टेशन देखा था, कभी देखा था मनिकम, आप जब से एमपी बने हो ना, मैंने पता किया, एक बार रेल से यात्रा नहीं की हो इस बार। ना 17वीं लोकसभा में दो बार यात्रा की हो, 17वीं लोकसभा में दो बार रेल देखा है आपने, और 18वीं लोकसभा में तो एक बार भी नहीं गए हो। आपको क्या पता? मैं तो बिना रेल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंच ही नहीं सकता, मुझे तो रेल जाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हमारे जैसे पिछड़े, मैं झारखंड राज्य से आता हूं, और झारखंड राज्य इस देश के रेल को चलाने में सबसे बड़ा टूल है। 35-40% जो रेवेन्यू है रेलवे का, पूरे देश के रेवेन्यू का, वो झारखंड देता है। लेकिन गोड्डा, जहां से मैं सांसद था, अध्यक्ष महोदय, 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा, और आजादी के 75 साल बाद 2022 में यदि रेल गया गोड्डा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण गया और माननीय वैष्णव जी के कारण। मैं बधाई नहीं दूं, 7,500 करोड़ इसमें मिला है। और जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जैसे पिछड़े जगह के जो सांसद होते हैं उनको रेल इसलिए नहीं मिलता कि रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर जो अंग्रेज कानून बनाकर गए, अंग्रेज के कानून के आधार पर ही पूरी की पूरी कांग्रेस 70 साल तक रेल नहीं देती रही, क्योंकि आपके इलाके में रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि एक दिन जब मैं यहां भाषण दे रहा था आज से 2 साल पहले, और मैंने दो बातें कही कि ये जो हम पढ़ते हैं कि मुंबई थाने पहला रेल था, ये गलत है। फैक्ट ये है कि हावड़ा से दीघा इस देश का पहला रेल लाइन था। बिल्कुल सही। वो दूसरा रेल लाइन था, जो इंजन आ रहा था, जो डब्बे आ रहे थे, वो समुद्र में डूब गए, इस कारण से वो रेल चालू नहीं हो पाया, और इसीलिए 1853 में मुंबई थाने चालू हुआ, जिसको कि पहला रेल कहते हैं। ये मैंने पहली बात कही थी। और दूसरी बात मैंने कही थी कि झारखंड जैसा राज्य आपको इतना पैसा देता है, यदि रेट ऑफ रिटर्न, आपने सब कुछ बदल दिया, आप राजा महाराजे को जितना गाली दो, यदि जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में, मंत्री जी को मैंने कहा यदि आपके राज्य में रेल है तो उसका कारण यह है कि वहां के राजा ने जो है अपने जनता के लिए किया। हम भी तो जनता की सेवा के लिए ही हैं। रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर रेल लाइन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कई एक राज्य सरकारें हैं जो पैसा नहीं देना चाहती हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए भी गया था, और उन्होंने इस देश के पूरे पॉलिसी को बदल दिया। अब कोई भी रेल लाइन रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर नहीं होती है, और उसका सबसे पहला फायदा माननीय मंत्री जी ने मुझे दिया कि गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन के लिए 2,000 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ, सबसे पहला मैं उसका लाभार्थी। और इस कारण से आज हमारे इलाके में रेल है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग बहुत, सर क्या है कि जाति पर भी टोकेंगे, एमएसपी पर भी स्पीकर साहब टोकेंगे, वायनाड पर यदि कोई भूकंप वाली घटना हो जाए सब, मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेसियों ने जो है अच्छी बात सुनने का जो है फैसला ही नहीं किया। मोदी फोबिया से इतने ग्रसित हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि मोदी जी कृष्ण की तरह, और ये सभी कौरव सेना, एक
तरफ जो है और इसी तरह से ये करते हैं। मैं आपको बताऊं कि गीता का जो अठारहवें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है सर, कि उसमें कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं सभी कांग्रेस और विरोधी सांसदों को कहता हूं कि मोदी जी के नीतियों में समाहित हो जाओ, मोदी जी सबका विकास कर देंगे, तुम लोग भी जिंदगी भर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते रहोगे।